उत्तर प्रदेश के हर इलाके के लोगों पर चुनावी रंग चढ़ चुका है, लेकिन सोनभद्र जिले के 11 गांव में खामोशी पसरी है। 2022 के चुनाव में 11 गांव के लोग अपनी जमीन पर आखिरी बार मत डालेंगे। 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सबसे अधिक 18,498 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया था। इसमें अधिकांश नोटा का प्रयोग इन 11 गांव के वोटरों ने ही किया था। दरअसल जून 2023 तक ये 11 गांव कन्हर डैम में समा जाएंगे। 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कन्हर डैम की वजह से 11 गांव के लोगों को पलायन करना पड़ेगा। यही वजह है कि 11 गांव के लोगों में मतदान को लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। उदास ग्रामीण सरकार से नौकरी और मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। गंभीरा प्रसाद ने बताया कि हक की आवाज उठाने पर सरकार गुंडा एक्ट लगा देती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंभीरा प्रसाद है। मैं कोरची का पूर्व प्रधान हूँ और विस्थापित संघ का अध्यक्ष थे। तो इस बार तो आप लोगों के लास्ट चुनाव होगा? हाँ, लास्ट चुनाव है और बड़ी दुख के साथ हम लोगों को वोट करना है, इसलिए कि नागरिकता के आधार पर हम लोगों का, विस्थापितों का कोई नेता न मंत्री न कोई विधायक न सांसद कोई बात सुनते नहीं है, न तो कोई अधिकारी कर्मचारी। हम लोग इस परियोजना के, कन्हर परियोजना के जो भी जमीन जायदाद गया है यहाँ का, उसके लिए मुआवजे का मांग कर रहे थे कि नए कानून के तहत मुआवजा दिया जाए, यानी धारा 24-2 बहाल करके। तो सरकार ने दूसरी अनुसूची लागू करके 7,11,000 तीन पीढ़ी तक पैकेज दे रही है, फिर भी उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। उस मांग करने में संगीन से संगीन अपराध में कई लोगों को मुकदमा कर पंजीबद्ध कर दिया गया, हमको भी गुंडा एक्ट लगा दिया गया। इसलिए मेरा मांग है कि सरकार जितने लड़की वारिस हैं उनको अधिकार दे, वारिसाना हक दे, इसके अलावा रहने के लिए विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास दे और पैकेज और कंपनसेशन का धनराशि दूना करे, महंगाई के देखते हुए खेती का जमीन दे। इसके अलावा हम लोगों को रोजगार के दृष्टि से नौकरी दे। वही बुजुर्ग फूल कुंवर देवी ने बताया कि 20 बीघा जमीन डैम में डूब जाएगी। फूल कुंवर अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मुआवजे को लेकर वो काफी नाराज हैं। दिक्कत यही है कि यहाँ हमारा डिहवार है, देवता देवी सब कोई है, दिक्कत यही हो रहा है कि हम बच्चा को नारना भी सबको यहाँ गड़ा है, यहीं पर हम लोग गुजर बसर कर रहे थे। हमारा जमीन को जो है, जमीन में हमको जितना मोहब्बत है उतना किसी का नहीं मोहब्बत है। हमारा दुख दर्द हो रहा है, जब निकलने से घर से सोचने से आंसू चल रहा है पहले, और सरकार अभी दे नहीं रहा है, मुआवजा नहीं दे रहा है। सिंचाई विभाग हम लोग के ऐसी कुदा देगा, तीन पीढ़ी के कहा है कम से कम तीनों पीढ़ी के हमरा दे देवे मुआवजा, हम लोग चले जाएंगे। सबके मोहब्बत बानी तो भाई अमन छोड़े खातिर तैयार है ही या हमरा सरकार कहले बा भाई तीन पीढ़ी के देवो कि वो ना कहे कि नहीं लेदरा पर के लेकिन के सुतल के मुआवजा दे, तो आज नहीं खेत दे तो हम लोग छोड़ के इतना हम लोग के निकले से पहले इतना आंसू चल रहा है कि इतना इतना जगह जमीन 20 बीघा हमार जमीन बा, हम कहाँ लेके जाए बाल बच्चा के नरना भी यहाँ गड़ौली, इतना दिन से हम यहाँ गुजर बसर कैली, हमार 86 साल हो गईलक, इतना दिन यहीं गुजर कैली, अब निकलने से अब हम मरे के कगार पर है, तो फिर हम निकले खातिर तैयार हिया, भजे देवे सरकार हम निकल जाए। डैम की चपेट में गांव के आने के बाद हजारों लोगों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। पीड़ित लोगों का कहना है कि उनकी समस्या पर जो नेता ध्यान देगा उसी का समर्थन किया जाएगा। समस्या यहाँ पे वही है, विस्थापित को लेकर समस्या है, बहुत लोगों का अभी तक नाम नहीं जोड़ा गया है, कुछ लोग तपेक्षा वाले जैसे हैं, कुछ यहाँ पे गांव टाइप के हमारे बहुत साल से रह रहे हैं, 30-35 साल से रह रहे हैं, लोग निवास कर रहे हैं, उनको भी नहीं दिया गया अभी तक, तो इनका नहीं हुआ। जो हमारे नाम जुड़े हुए हैं उनको तो पूरा फाइनल चेक नहीं हुआ है। हम लोग गाँव छोड़ना चाहते हैं, समय से पैसा मिल जाए, समय से हम लोग बंधा बनने से पहले हम लोग चुका छोड़ देंगे। तो चुनाव हो रहा है, सांसद विधायक ये सब समस्या के प्रति आप लोग कहते हैं? हम लोग बहुत सांसद के पास भी रखे हैं, विधायक जी के पास भी रखे हैं, कहते हैं भी करेंगे लेकिन करते नहीं हैं। अब वो कहेंगे हमको वोट दीजिए, किनको दिया जाए जो हमारी समस्या को सुनेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जो हमारी समस्या को हल करेंगे, उनको मतदान करेंगे। वहीं कन्हर डैम के अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार ने बताया कि साल 2023 के जून महीने में डैम में पानी भर जाएगा। स्पिलवे का कंक्रीट वर्क लगभग पूरा हो गया है, ऊपर आज उसके स्लैब कास्टिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है और ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। मिट्टी का बांध हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है
और लेफ्ट साइड में जिधर से हमारा अभी नदी डाइवर्ट हो रहा है उसके वहाँ पर रॉकफिल का कार्य होना है, उसका परीक्षण का कार्य भी तुरंत स्टार्ट हो जाएगा और बरसात के बाद इसके काम स्टार्ट होके 2023 बारिश से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके रिजर्वायर भरने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मतलब 23 से पहले तक, मतलब 23 जून से पहले ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। ये गांव, ये मवेशी, खेती बाड़ी, लोग बाग सब डैम में समा जाएंगे। लोगों की यादें, पुरखों की धरोहर सब अथाह पानी में समा जाएंगे। अब 11 गांव के लोगों को नए सिरे से अपनी जिंदगी की नींव रखनी होगी। किसी के लिए भी ये काम आसान नहीं होता, इसलिए सरकार को पीड़ित ग्रामीणों की हर मांग को पूरा करना चाहिए ताकि जिंदगी की जद्दोजहद में उनका हौसला कायम रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोनभद्र से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।